44 मैचेस और 25 दिन के बाद हमें हमारे दो फाइनलिस्ट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के मिल चुके हैं. इट इज न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. स्वागत है आपका सबसे बड़ा मौका पर. मेरा नाम है रुधिमा पाठक और सबसे बड़ा मौका है देखिए इन दो फाइनलिस्ट के पास, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी ये खिताब नहीं जीता है. तो इनके पास है मौका आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के नए चैंपियन बनने का. कौन बनेगा ये चैंपियन? मेरे पास है कैफ स्टूडियो में, इनके पास सारे जवाब है. कैफ अग्रेसिव ऑस्ट्रेलिया और कूल न्यूजीलैंड के बीच है ये मैच. सारा जवाब तो नहीं मेरे पास, क्योंकि इतना बढ़िया दो सेमीफाइनल जो हुए हैं, इतने अच्छे हुए हैं, क्योंकि कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकता था. एक मरतबा लगा कि वहाँ न्यूजीलैंड हार जाएगी. पहला सेमीफाइनल जो हुआ वहाँ निशा मांगे, वहाँ निशा ने 19 ओवर में 20 रन बना दिए. फिर आया दूसरा सेमीफाइनल मैथ्यू वेड, जो उनका कोई चर्चा भी नहीं थे. वो तो नाम था वार्नर का, नाम था स्टॉनिस का, नाम था मैक्सवेल चलेंगे, पर किसने फिनिश किया गेम? वेड ने. एक ओवर में 22 रन मार गए, वो जो 19वां ओवर था. तो ये प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है. दो बेहतरीन टीमें हैं जिनके पास ऑन द डे कोई ना कोई नया मैच मिल रहा है, तो इसलिए आसान नहीं प्रेडिक्शन करना. बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन एक नज़र डालते हैं इनकी जर्नी पर, बिकॉज ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है. सबसे पहले न्यूजीलैंड की जर्नी, पहला मैच हार के पाकिस्तान से, उसके बाद वो जीतते चले गए. नहीं, आपने कूल जो नाम लिया वो सही नाम लिया. कूल, काम, कंपोज, विलियमसन टीम चलाते हैं. सारा जो बिहाइंड द सीन हो या ऑन फील्ड काम हो, विलियमसन ही करते हैं. इतना उनका सम्मान इतना है टीम में कि लोग उनको दे लुक अप टू हिम कि भाई क्या बोल रहा है, कैसे एक्शन में कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, उनको लोग फॉलो करते हैं. क्योंकि बहुत ही कम बड़े शांत किस्म के इंसान है, पर दिमाग बहुत तेज है, दिमाग बहुत शातिर इंसान है विलियमसन. पर जहाँ तक वो टीम को लेके आए, हाँ इजी पूल में थे, पाकिस्तान से हारे पर इंडिया को हराया, उसके बाद और मैच जीत गए, तो लड़खड़ाए थे बीच में, पर आ गए सेमीफाइनल में. सेमीफाइनल में पहुंचे तो लोगों ने बोला अरे इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, ये हार जाएगी न्यूजीलैंड पर. ऐसा हुआ नहीं. उनका जवाब दिया बल्लेबाजी से, चेस किया टारगेट, जो बड़ा टारगेट न्यूजीलैंड चेस करने के लिए जाना नहीं चाहता, पर वो मैच में किया. पर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट के बादशाह हैं, तो देखिए क्या होता है. बिल्कुल. और अगर आप सेमीफाइनल्स की बात करें तो ये दोनों ही टीम्स एक बहुत ही थ्रिलर मैच खेलते हुए आ रही है. जहाँ पे न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया, और इन फॉर्म पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया हरा के आ रही है. ऑस्ट्रेलिया का सफर जिस ग्रुप में वो थे वो आसान नहीं था. वो बहुत मेहनत मुशक्कत करके आए यहाँ तक, क्योंकि उनके पूल में बहुत ही मजबूत टीमें थी. चाहे वेस्ट इंडीज की बात कर लो आप काफी मुश्किल टीमें थी, इंग्लैंड थी, काफी टीमें थी. तो वहां से इनका जो रास्ता, एक आध मैच बीच में हारे भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं हारे, पूरा नॉन हर मैच जीते नहीं, वो तो हार के भी आए. पर इनके पास देखिए बड़े मैच के प्लेयर्स हैं, और जो उनका एक जो पुराना रिवाज है, जो इतिहास है कि बड़े मैच में अटैकिंग खेलना है जी, वो रिवाज बना कर रखा पिछले मैच में, उसका फायदा मिला. क्योंकि आप जब मैं अगर 5-6 साल 10 साल पुरानी बात करें प्लेयर्स की, हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, ये सब एरा के प्लेयर जो ट्रेंड सेट करके गए हैं कि बड़े मैच में और बढ़ चढ़ के बोलना है, वो फॉलो ये प्लेयर्स कर रहे हैं. बिल्कुल. तो अब तक जो मैचेस हुए वो तो हो गए, अब है बात फाइनल्स की. और फाइनल्स की जब बात होती है तो जो जीता वही सिकंदर, बस इतना ही है. जो जीतेगा वही चैंपियन कहलाएगा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का. लेकिन फाइनल्स में पहुंचते न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ा ब्लो लगा है, और वो ब्लो है कॉनवे का. और कॉनवे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की. उन्होंने क्या किया कि जब सेमीफाइनल्स में वो डिसमिस हुए तो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने अपना ही हाथ अपने बैट पे दे मारा, जिसकी वजह से उन्हें एक फ्रैक्चर हो गया है. और इसी वजह से वो ना सिर्फ फाइनल से आउट है, लेकिन न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया से भी आउट हो गए. कैफ, ये जो पल होते हैं ये आपके आगे वाले आने वाले करियर को भी थोड़ा डिफाइन कर देते हैं. कुछ ऐसा ही लग रहा होगा कॉनवे के बारे में. मैं पढ़ रही थी कि कॉनवे इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है. ही इज रियली रियली अपसेट विद दिस, क्योंकि वो देख सकते थे अपनी टीम को जीत दिलाना. जहां वो जो 40 पे बैटिंग कर रहे थे, अपसेट हो गए थे, वो गलत टाइम पे आउट हुए, उनको लगा यार मैंने गलती कर दी इतनी बड़ी कि उसकी वजह से हम सेमीफाइनल हार सकते हैं. तो वो बंदा तब फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्से में आता है. और ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत लोग बैट फेंकते हैं, अपने आप को अपने आप से बात करते हैं, तो वो हुआ है पहले भी. पर ये इंजरी बड़ा फ्रीक इंजरी है कि इन्होंने मार दिया हाथ से, बल्ले को ऐसे मारा और वो फ्रैक्चर हो गई उंगली या चोट लग गई, तो बाहर हो गए टूर्नामेंट से. ये मैंने बहुत कम देखा है.
हाँ देखा जरूर है कि लोग आते हैं ड्रेसिंग रूम में, बैट फेंकते हैं, शीशा तोड़ते हैं, प्लेयर को बोल भी देते हैं कि यार तूने क्या किया, ऐसे भी हुआ है, लड़ाइयाँ हुई, झड़प हुई है, पर खुद को यू नो खुद को खुद से अपने आप से घायल करना और बाहर होना टूर्नामेंट से बहुत बड़ा बोलो कि इनफॉर्म बल्लेबाज थे, इनफॉर्म थे वो है ओपनर वैसे, पर उनको नंबर चार क्योंकि वो टीम का रोल निभा रहे थे, नंबर चार मौका दिया गया, मिशेल ओपन करें कपिल के साथ तो विलियमसन नंबर तीन खेल रहे हैं, इनको नंबर चार का रोल दिया गया और बाखूबी निभा भी रहे थे, इसलिए इन फॉर्म प्लेयर बहुत बड़ा मिस है ये न्यूजीलैंड के लिए। तो अब सिफर्ड आएंगे क्या उनकी जगह पर? उनकी जगह सिफर्ड भी आ सकते हैं, आईपीएल में एक दो प्लेयर इनके खेले भी थे उस कंडीशन में, यूज़ टू बी यूएई में थे, उस टीम के हिस्सा थे, तो सिफर्ड भी आ सकते हैं, पर न्यूजीलैंड देखिए एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं होती, इनके पास काफ़ी प्लेयर होते हैं जो उन्होंने अपना रोल निभाते रहते हैं, चाहे वो जिमी नीशम की बात कर लो, चाहे आप मिशेल की बात कर लो, मिशेल ही बहुत नए हैं, युवा हैं, कोई बहुत साल से नहीं खेल रहे कि उनका बहुत नाम हो गया है, नाम अभी हुआ है, पिछले मैच से नाम हुआ है इनफैक्ट, और पहले मैच से अगेंस्ट भारत जो 50 बनाया था वहाँ से नाम बनाना स्टार्ट किया था, तो ये ऐसी टीम है कि बड़े बड़े नाम नहीं पर ऑन द डे अपना रोल निभाना जानते हैं, उनको पता है कि किस हालात में परिस्थिति में कैसे गेम खेलना है, कैसे कमबैक करना है, वो पता है इनको, ये तीन जो चेहरे हैं ये मेन प्लेयर हैं इस टीम के। बिल्कुल, ये तीन मेन प्लेयर हैं इस टीम के, ऑफ कोर्स वो नंबर्स देख रहे हैं आप, जहाँ पे मिचेल ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल्स जिताकर अब फाइनल्स में एक पोजीशन दिलवाया है, वहीं पे ऑफ कोर्स जिमी नीशम का बहुत बड़ा हाथ था, और ये जो इनके इन फॉर्म बल्लेबाज हैं केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल और मिशेल, ये तीन, इन्हीं तीनों बैट्समैन पे नजर रहेगी ऑस्ट्रेलिया की जब ये एक दूसरे से मिलेंगे फाइनल्स में। लेकिन अब कॉनवे को जो इंजरी हुई है इससे एक ब्लो तो मिला है न्यूजीलैंड को, लेकिन नॉकआउट मैचेस के वैसे भी बादशाह हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में बात कर रहे थे, इवन अगेंस्ट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी तीन नॉकआउट मैचेस में तीनों में बेस्ट रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, तीनों जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। तो जब हाई प्रेशर मैचेस की बात करते हैं और इस स्टेज पर जो फाइनल्स का स्टेज है यहाँ पे प्रेशर अलग होता है, और इस स्टेज पर एक बार आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, 2010 में इंग्लैंड से हारे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ये पहला मौका है, पहली बार आए हैं फाइनल्स में, इसीलिए शायद थोड़ा सा देखिए दबाव तो दोनों टीम पे होता है और दबाव दोनों टीम पे दिखा भी था, जब वो सेमीफाइनल खेले तो न्यूजीलैंड ने 166 बनवा दिया जो कि बनवाते नहीं इतने रन, फिर उसको चेस करके अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया भी नर्वस दिखी जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उनका प्लान मुझे समझ भी नहीं आया, कभी हेजलवुड को करा रहे हैं, कभी स्टार्क को करा रहे हैं, कोई प्लान ठीक से था नहीं, 176 बहुत रन होते हैं, तो दबाव में दिखे, नो बॉल भी हुई, फ्री हिट भी दी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने, तो ऐसा नर्वस थे, बाद में ये मैथ्यू वेड ने जो पारी खेली वहां से कवर अप हो गया है, कड़ा मुकाबला होने वाला है और इनके जो प्लेयर्स हैं उनमें भी बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। ऑफ कोर्स हमारे जो तीसरे सहयोगी हैं इस शो पे उन्हें बुलाया जाए क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। चले क्या फोर्थ नंबर है इनके पास और तेरी नंबर गेम इधर है, नंबर गेम है यहाँ पर। आए ओके ऑलराइट, इश सोधी वर्सेस एडम जैम्पा, यहाँ पे हम T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात कर रहे हैं जहाँ पे एडम जैम्पा के नंबर्स बेटर है इश सोधी से। नहीं, अच्छे गेंदबाज जैम्पा, गेंदबाज अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इनके पास विविधताएं भी हैं, बॉल को टर्न कराना चाहते हैं, इनके पास स्लाइडर है, गुगली मारते हैं, और एक और ये आईपीएल में खेलते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े बल्लेबाज को आईपीएल में आउट भी करते हैं, लेग स्पिन वर्सेज बड़े बड़े बल्लेबाज ये फॉर्म में रहते हैं जैम्पा, इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा पीछे है जैम्पा से क्योंकि लेकिन 9 विकेट इकोनॉमी काफ़ी हाई है और जैम्पा के कभी कभी पावर प्लेयर भी गेंदबाजी करते हैं, ये शायद इतनी गेंदबाजी नहीं करते पर इनका इकोनॉमी थोड़ा ऊपर है, वहाँ देखिए अंडर 6 है, मतलब बहुत शानदार इकोनॉमी है, ये 7.5 की है, विकेट भी उनकी ज़्यादा है 12, इनकी 9, तो यूएई की अगर फॉर्म की बात कर लें तो जैम्पा इनसे आगे हैं इस टाइम पे। बिल्कुल, और दोनों टीम्स की बात करें तो दोनों बहुत ही क्रूशियल इसीलिए हैं क्योंकि इश सोधी ने सेमीफाइनल में विकेट लिया जॉस बटलर का, एडम जैम्पा ने विकेट लिया बाबर आजम का, तो बड़े बड़े नामों को छटका देते हैं दोनों के दोनों। अब देखिए जो दो सेमीफाइनल हुए हैं उनमें बेस्ट गेंदबाजी किसने करी है बताओ, कल के मैच में जैम्पा और शादाब खान जी, उनकी गेंदबाजी बढ़िया थी, बड़े बड़े नाम थे, हसन अली, रऊफ, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, सबको रन पड़े, सबको मार पड़ी, फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं थे, फास्ट बॉलर्स को बहुत मार पड़ी, पर ये जो लेग स्पिनर है ये ऐसा हथियार है कि ये काम आने ही आना है आपको बड़े मैच में। चलिए आगे देखते हैं, ये है हमारे दो ओपनर्स जो जब सामने आएंगे ये तो आतिशबाजियां होंगी, बड़े बड़े रन्स बनेंगे ये उम्मीद है, लेकिन दोनों ही टीम्स चाहेंगे कि इन दोनों को पहले आउट करें, ये कम खेलें
उनकी तारीफ में ज्यादा करूंगा क्योंकि वो बहुत पुराने पके हुए प्लेयर है, वो बहुत साल से खेल रहे हैं, वो हैदराबाद के कप्तान भी थे आईपीएल में और T20 का आइडिया है, तो बड़े प्लेयर हैं इसमें कोई शक नहीं है, पर ये बंदा ज्यादा खेला नहीं है जी, ये 6 मैचेस के रिकॉर्ड है, ये है T20 पहले भी नहीं खेले, मतलब एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूं मैं, अगर तजुर्बा भी कंपेयर करेंगे तो उनके पास तजुर्बा ज्यादा है, करंट फॉर्म की बात करें बिल्कुल सही बोला, और ये जो पारी लास्ट मैच में खेले, मैन ऑफ द मैच हुए थे, उन्होंने मैच अकेले निकाला था, खड़े थे लास्ट तक, और बीच में ऐसा भी हुआ था कि मिशेल के पास स्ट्राइक भी नहीं आई, लगा कि यार ये तो मैच निकल गया, पर जिमी निशम के साथ जो पार्टनरशिप करी इनकी वो काबिले तारीफ थी, ये मेन वेपन हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल्स में, वो भाईजान तो उनको तो हर शॉट मारना आता है जी, और इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक्सीडेंटल ओपनर है और ये ब्लैक कैप्स में एक्चुअली अपने फादर की वजह से जाने जाते थे क्योंकि उनके फादर एक बहुत बड़ी रग्बी प्लेयर हैं, लेकिन अब जो है बातें बदल गई, अब जो मिशेल साहब है वो अपनी वजह से उनका अपना खुद का इतिहास होगा ब्लैक कैप्स में क्योंकि वो ब्लैक कैप्स को सेमीफाइनल तक लेके गए, तो इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं, ये है ट्रेंट बोल्ट, जॉश हेसलवुड, फास्ट बॉलर्स, दुबई में क्या काम आएंगे फाइनल्स में? बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट का योगदान होने वाला है क्योंकि ये अच्छे मैचअप भी हैं डेविड वार्नर को, जो बॉल को सीम कराते हैं, लेट स्विंग होती है, अटैकिंग गेंदबाज है, ये विकेट मारना जानते हैं, पावर प्ले में विकेट लेते हैं, डेथ के अच्छे गेंदबाज नहीं है, इसलिए इनको कभी कभी 2 ओवर 3 ओवर भी आप देखते हैं ना, नया बॉल से विलियमसन करा देते हैं कि भाई बॉल स्विंग हो रहा है, करो विकेट मारो, तो इनको के पास लाइसेंस है, और यूएई की पिच पे, दुबई की पिच पे इनको ना बड़ा आइडिया भी, अभी हाल में दोनों गेंदबाज वहाँ खेले हुए हैं, पर इनकी जो रणनीति होती है अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर बड़ी अच्छी होती है, आगे बॉल को स्विंग कराते हैं विकेट लेना तो देखते हैं, पर जब राइट हैंडर आता है तो भी अच्छी रणनीति की बॉल को अंदर लेके आते हैं, LBW बोल्ड, तो ये ऐसे विकल्प हैं न्यूजीलैंड के लिए, मेरे ख्याल से इनका रोल सबसे अहम होने वाला है क्योंकि ये अगर विकेट ले गए शुरू में तो फिर गेम बन जाएगा न्यूजीलैंड के लिए, वो भाईजान थोड़ा सा अलग गेंदबाज है, वो स्विंग नहीं कराते, वो हिट द डेक गेंदबाज है, उनका जो लाइन लेंथ है वो जो 6 मीटर का एरिया देखते हैं, ग्लेन मैकग्रैथ वो ऐसी बॉलिंग करते थे, ग्लेन मैकग्रैथ के ये बिल्कुल हूबहू तरीका अपनाया है कि लंबे कद के हैं, गेंद को हिट करते हैं, ये गेंद को आगे स्विंग कराते हैं, ये लंबे इतने नहीं, वो बहुत लंबे हैं, तो वो हिट करना सीम पे बॉल को लैंड कराते हैं, फिर वहाँ से बॉल रास्ता बदलता है, अंदर आता है बाहर आता है, उनकी अलग क्षमता है, अलग अलग ताकत है, पर दोनों अच्छे गेंदबाज हैं बिल्कुल, लेकिन दुबई में क्या बोलता है आपसे दुबई की 14 नवंबर को दुबई, अच्छा टॉस पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर है, एक नज़र डालते हैं टीम स्क्वाड पर, ऑलराइट देन, कोई चेंजेस? इनकी जो कमजोरी है बैटिंग है, और कॉनवे भी अभी इंजर्ड हो गए, बहुत अहम प्लेयर थे, इन फॉर्म प्लेयर थे, इनकी बैटिंग थोड़ा सा कमजोरी है, पर अगर भाईजान चल गए, कहाँ गए भाईजान, भाईजान है कहाँ ये अगर ये जिस तरह से पिछले मैच में खेले, ये क्या आपके ट्रम्प कार्ड है? ट्रम्प कार्ड बन ही गए ना, इनका इतना नाम नहीं था, देखिए 2 प्लेयर ने यहाँ बड़ा नाम कमाया, 2 सेमीफाइनल हुए हैं, 2 प्लेयर मैथ्यू वेड, हाँ उनका नाम कोई नहीं ले रहा था, इनका नाम भी जब पहला सेमीफाइनल चल रहा था तो जिमी निशम को क्यों खिला रहे, लोग पूछ रहे यार क्यों खेल रहा है, करता क्या है, हाँ। ना बैटिंग करता ना बॉलिंग करता, वह खेल रहा है, पर इन्होंने वर्ल्ड कप में दिखा दिया कि इनका रुतबा, इनका जो इनकी शोहरत जो इनको मिली है उस मैच से, वो आगे निकल गए बहुत, और मैथ्यू वेड का भी ऐसे ही था, मैथ्यू वेड बहुत छेद में खेलते हैं, उनका नाम आता है, वार्नर का पहले नाम आता है, मैक्सवेल स्मिथ है, फिंच है, उसके बाद मैथ्यू वेड चल गए ऐसा वाला है, ये भी था कि चल गए तो चल गए, 2 प्लेयर ने बहुत नाम कमाया, उससे पहले अगर आएंगे तो ये भाईजान को भी अच्छा खेलना पड़ेगा, बड़े मैच में डिसअपॉइंट किया, मैं खुद डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत तजुर्बेकार प्लेयर है, बहुत साल से शॉर्टर फॉर्मेट खेला, T20 का रिकॉर्ड बहुत इनके पास, बहुत मैचेज हैं, तो ये मैं चाहूंगा जब स्टार्क लेके गेंद लेके चले या हेजलवुड लेके चले तो भाई ये इनका बैट चलना चाहिए बिल्कुल, और मार्टिन गप्टिल को 2019 का वर्ल्ड कप तो याद ही होगा, तो इसीलिए इस बार वो चूकेंगे नहीं। दूसरी तरफ चलते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिनको बिग मैचेस, हाई प्रेशर मैचेस, फाइनल्स के स्टेज का अनुभव है, यहाँ पे आपके ट्रम्प कार्ड कौन है? मैथ्यू वेड, मार्कस स्टोइनिस, ये तो हमने देख लिया, साथ ही साथ डेविड वार्नर ने बहुत अच्छा खेला, उसके अलावा ट्रम्प कार्ड नंबर 1 पे ये है, और नंबर 2 पे राइट नाउ करंट फॉर्म पे मिचेल मार्श, 2 जो मैच हुए हैं पिछले 2 मैच जो खेले, इनका फॉर्म बढ़ चढ़ के आया है, लगातार स्कोर कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप इनकी और इनकी हुई थी पिछले मैच में 50 की, ये तो आउट हो गए थे पहले ओवर में जी। पर भाईजान ये दोनों खड़े थे, इन्होंने गेम बना के रखा, ऑस्ट्रेलिया को गेम में दबा के रखा, बचा के रखा, बाद में फिनिश किया मैथ्यू वेड ने, और सबने देखा स्टोइनिस ने, पर ये जो पार्टनरशिप थी नए बॉल के साथ, जहां शाहिद अफरीदी
बॉल को स्विंग करा रहे थे और विकेट लेने की तलाश में थे, वहां गेम को रोका। तो ये दोनों का बहुत महत्वपूर्ण होगा दोबारा से खेलना। ये एक है जो मतलब ना कि ज्यादा नाम इनका लोग ले नहीं रहे, पर ये अच्छे प्लेयर है और अच्छे फॉर्म में भी है। स्पॉटलाइट इन दोनों टीम्स पे रहेगी। फाइनलिस्ट जो होंगे हमारे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से कौन जीतेगा ये मैच, T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन रहेगा, इनके स्ट्रेंथ की बात कर ली हमने, अब थोड़ी कमजोरियां की बात करते हैं। कैफ, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी कमजोरी फाइनल्स में क्या है? से कप्तानी कमजोरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड की कप्तानी बेटर है कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। एरन फिंच अच्छे कप्तान है, पर अभी हाल में काफी हार के भी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक पहुंचा है, पर जो पिछले खास साल गया है वो हारे भी है जी। जहाँ भी टोल करे, वेस्ट इंडीज गए और भी जगह खेलने गए, वहाँ हार क्या। एरन फिंच एज ए कप्तान काफी जख्म है दिल में, क्योंकि काफी हार के साथ पहुंचे। विलियमसन ऐसे नहीं, विलियमसन जीत के साथ आ रहे हैं। इनको टेस्ट मैच भी फाइनल में पहुंचे, ओडीआई में फाइनल में पहुंचे, रिसेंटली इनका जो यहाँ भी वर्ल्ड कप फाइनल पहुंच गए यूएई की बात करें तो, एज अ कैप्टन वो उनका मनोबल हाई होगा। उनको पता है कि प्लेयर बहुत बड़े बड़े नहीं है, पर मुझे पता है मेरी जो शतरंज की मिसाल में चाले जो होती ना, चाले कैसे मूव आगे बढ़ाना है, वो विलियमसन ज़्यादा क्लियर माइंड में होगा कंपेयर टू फिंच। फिंच के पास प्लेयर्स हैं पर कैसे इस्तेमाल करना, वहाँ थोड़ा गलती हो रही है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, इवन सेमीफाइनल बॉलिंग से बहुत मैं डिसअपॉइंट था लास्ट मैच जी। बहुत साधारण गेंदबाजी करी जी, 176 वो तो बाद में होने से अच्छा नहीं कर पाए। फखर जमान ने मारा, पर बीच में और प्लेयर नहीं मार पाए, तो 200 ही बन सकते थे अगर मोमेंटम बना के खेलते। तो मुझे बॉलिंग चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं आए। एरन फिंच के जैम्पा को थैंक यू बोलना चाहिए, जैम्पा बीच में आए, गेम को कंट्रोल कर लिया। पर मिचेल स्टार्क को फखर जमान स्टैंड पे मार रहे थे, फखर जमान स्टैंड पे मार रहे थे मिचेल स्टार्क को। तो बॉलिंग नाम है, पर बॉलिंग में बहुत डाउट है इनके। वो तो अच्छा हुआ कि मैथ्यू वेड आए, एक ड्रॉप कैच और 3 छक्के और ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में। लेकिन दूसरी तरफ ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड में आपको उनकी कप्तानी अच्छी लगती है, लेकिन कमजोरी क्या है न्यूजीलैंड की? कमजोरी बैटिंग है, बैटिंग में उनके पास पावर नहीं है, जो हम बोलते हैं ना कि पावर हिटिंग एबिलिटी, इसीलिए नीशम को खिला रहे हैं। नीशम ने इस मैच से पहले तो कुछ खास किया नहीं है, पर उम्मीद में थे कि शायद चल जाए और चल गए भाई जान। तो ये उम्मीद है नीशम के साथ, क्योंकि उनके पास पावर हिटर्स नहीं है। अगर गप्टिल आउट हो गए तो फिर बीच में क्या होता है कि थोड़ा स्लो हो जाते हैं, गेम धीमा हो जाता है, वंस एंड टूज में स्कोर करते हैं, बीच में फिर खराब बॉल पे बाउंड्री मारते हैं। ये अच्छा है कि मिशेल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, वो बड़ा शॉट मार सकते हैं। मिशेल हो गए, गप्टिल, दो इनके अटैकिंग बल्लेबाज हैं। और फिनिशिंग में अगर नीशम अच्छा फॉर्म कंटिन्यू कर गए तो फिर गेम बनेगा। पर इनकी ताकत जो है न्यूजीलैंड की, दोबारा से बोलता हूँ, वो है गेंदबाजी और फील्डिंग और कप्तानी। All right, well, thank you so much, Kev. आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, जल्दी बता दें, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? बेचारे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के साथ नहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, यही होता है, बेचारे न्यूजीलैंड बोल रहे हैं। साथ फिर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, दमदार अटैकिंग, जो बड़े बड़े शॉट मार सकते हैं, उनकी टीम में दिग्गज प्लेयर हैं। चलिए, एक इंच दूर है एरन फिंच की टीम चैंपियंस कहलाने से। दूसरी तरफ विलियमसन हैज नॉट वन The ICC T20 World Cup. दो ब्लॉकबस्टर मैचेस आपको मिल चुके हैं, फाइनल्स एक मेगा ब्लॉकबस्टर होगा। आप बने रहे जी न्यूज के साथ। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.